रोशन है, रोशन आरा। रोशन हमारे लेवल वन से ही हम लोगों के साथ पढ़ने आई है, बहुत एक नटखट चुलबुली लड़की। मेरे फैमिली में हम पांच बहनें हैं, एक की शादी हो गई है, चार अभी पढ़ रही हैं और मैं भी कॉलेज कर रही हूँ। पापा रिक्शा चलाते हैं और मम्मी हाउस वाइफ है। पापा जुआ खेलते तो कम पैसे दे पाते हैं घर पे, तो उस वजह से ऐसे घर चल नहीं पाता, मीन्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। कभी राशन नहीं होता घर पे, कभी कुछ नहीं होता, तो दोपहर में खाना भी नहीं बन पाता कभी कभी, हमारे घर में ऐसा होता है। फैमिली में पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, माँ बाप उनके आपस के झगड़े इतने रहे, उन्होंने कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया। रूम टीट मैंने ज्वाइन, जब से ज्वाइन करा वहाँ पे लाइफ स्किल्स के सेशंस वगैरह होते थे, तो उसको हमें बताया जाता था कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है, तो मतलब फैमिली से बातें करना और फिर अपनी पढ़ाई के लिए बोलना, तो मतलब स्कूल वाले भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरे, मतलब फैमिली को समझाते थे कि बेटी को पढ़ाओ ये वो। फिर एक स्टेज ऐसी आई जहाँ पर शायद रोशन की शरारत की वजह से उन्होंने डिसाइड कर दिया कि रोशन की शादी कर दो टेंथ से पहले ही। रोशन दीदी रिश्ता लगा रहे, भाई क्यों लगा रहे हो मम्मी, मुझे पढ़ना है मुझे। नहीं क्यों पढ़ेगी भाई, नहीं पढ़ेगी तू क्यों पढ़ेगी, चल तेरी शादी कर रहे हैं हम। सबके सब राजी हो गए शादी, मतलब मेरी तो कोई पूछो ना भाई मुझे क्या करना है। नहीं किसी को कुछ नहीं पड़ी हुई, बस रिश्ता वाले घर आ गए, रिश्ता पक्का हो गया, रोशन की शादी करवा दो। रोशन ने अपनी प्रॉब्लम यहाँ शेयर करी, पता करा गया कि किस तरह से क्या माहौल चल रहा है। सभी तकरीबन सभी लोग फैमिली में, नानी मामू सब चाहते थे कि रोशन की शादी कर दी जाए। तो फिर मैम से सारी बताया, फिर मैम ने सारी बहुत समझाया हमें कि रोशन ऐसे करना है बात। तो मैं फिर मैं घर गई, मैंने अम्मी से कहा अम्मी मुझे पढ़ना है, मैंने आपको बताया ना मुझे कॉलेज भी करना है। क्या करेगी कॉलेज करके रोशन, क्या करेगी तू, आगे के चूल्हे ही तो करना है तुझे और कुछ नहीं करना, घर का ही काम करना है। मैंने कहा अम्मी ऐसा थोड़ी ना होता है यार, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई लाइफ में फ्यूचर में समझो, तो फिर मैं क्या करूँगी, मेरा हस्बैंड कुछ कर नहीं रहा, क्या करूँगी मैं, पढ़ी लिखूंगी तभी तो अच्छी जॉब करूंगी ना, अच्छी सैलरी चलाऊंगी, तभी अपने घर चलाऊंगी, अपने बच्चों को देखो, अपने बच्चों को घर पे ट्यूशन दूंगी मैं अगर पढ़ूंगी तो। इतना समझाया कि मुझे करना ही नहीं है, अभी नहीं करना, मैं इतना फोर्स करने के बाद तब जाके अम्मी मानी, तब जाके रिश्ता टूटा। चेंज की जहाँ बात होती है वहाँ पे हम बच्चों में तो चेंज ला पा रहे हैं, और हम हमेशा बच्चों को समझाते हैं कि वो अपनी फैमिली में चेंज लाएंगे, लेकिन वो भी ग्रेजुअली। जब से मेरी लड़की लोग रूम टीट में आई है जरा मेरा बहुत बदलाव आया है, अब मैं समाज का फिक्र नहीं करती, क्यों कि जो मेरे बच्चे चाहेंगे, मेरे बच्चे अभी नहीं चाहते शादी करना, मैं क्यों करूँ। जीवन कौशल से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है मुझे कि समाज में कैसे साथ में रहना है, अपनी बात कैसे बोलनी चाहिए। तो मतलब ये था कि मैं किसी के सामने चू भी नहीं कर सकती थी, अब ऐसा है कि मैं हर किसी के सामने बोल सकती हूँ भाई मुझे ये बुरा लगा। मुझे तो अभी भी रोशन के लिए और रास्ते नज़र आते हैं, तो ऐसे ही इन लोगों के लिए हमेशा दुआ ये है कि ये अपनी पूरी ऊंचाइयों पर पहुँचे। कुछ कुछ मोमेंट पे ना ऐसा लगता है बस सब खत्म, आप कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो मोमेंट आता ना मेरी शादी की, वह ऐसा लग रहा था कि बस रोशन तो बस अब तो बैठ जा, अब तो कुछ भी नहीं कर सकती। फिर एक होता है ना कि उजाला मिलता है, रोशनी मिलती है कहीं से कि हाँ भाई कोई है मेरी मदद कर सकता है, कि रोशन रोशनी है तो जा सकती है उस रास्ते से, तो उस रास्ते पे जाओ, अपनी बात कहो और हमेशा कभी हार नहीं माननी चाहिए जिंदगी से।